तो दोस्तों आज हम लोग अल्ट्रा गोकू के पार्ट टू को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और अगर दोस्तों आप लोगों ने इसका पार्ट वन नहीं देखा तो मैं आप लोग को पहले रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसका पार्ट वन देख ले, ताकि आप लोग को इसकी स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ जाए, जिसका लिंक मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे व्हिस के मना करने के बावजूद भी गोकू डिस्ट्रक्शन की पावर को सीखता है और लॉर्ड बिरस के साथ फाइट करता है, जहां पे लॉर्ड बिरस उसे मजबूर कर देते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन की पावर को और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक साथ कंबाइन करके यूज करे। जिसके बाद गोकू जैसे ही इन दोनों को एक साथ कंबाइन करता है, वो खुद पे से अपना काबू खो बैठता है और वो लॉर्ड बिरस को जान से मार देता है, जिसकी वजह से सभी गॉड्स और एंजल्स ग्रैंडपिस्ट और जेनो के साथ मिलकर गोकू को एक पिजन में कैद कर देते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि गोकू एक प्रिजन में कैद है, जहां पे उसके हाथ पैर पूरी तरह से जंजीर से बंधे हुए हैं और गोकू जितना भी इन जंजीरों से निकलने की कोशिश करता है, वो जंजीरें और भी ज्यादा टाइट हो जाती हैं और गोकू को बहुत ही ज्यादा पेन देती है। और हम लोग देख पाते हैं कि गोकू का पूरा शरीर ब्लड से डूबा हुआ है, मानो जैसे कि उसके शरीर से सिर्फ और सिर्फ खून ही निकल रहे हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोकू बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रैंडपिस्ट जेनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं जिस भी दिन यहां से निकलूंगा मैं तुम लोग से अपना बदला लेकर रहूंगा, अपने पेरेंट और अपने फैमिली का। और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं दोस्तों कि ऐसे ही करते हुए 10 साल बीत जाते हैं और हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां से दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है। और हम लोग देख पाते हैं कि गोकू अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसके अंदर अब जरा सा भी ताकत नहीं होती है और उसके मन से अब बदले की भी बात लगभग खत्म ही हो चुकी है। और दोस्तों अब वो सिर्फ मरने का इंतजार कर रहा होता है, पर दोस्तों गोकू को यहाँ पे मौत भी नसीब नहीं होती है, क्योंकि ग्रैंडपिस्ट और जेनो ने उस प्रिजन में एक ऐसा जादू किया होता है जिसकी वजह से गोकू को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पेन का ही एहसास होगा और वो जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो जितना भी चाह ले मरने का, पर वो मर नहीं सकता है। जो कि दोस्तों हम लोग एज अ व्यूअर समझ में आता है कि एक बहुत ही बड़ी पनिशमेंट है एक डिस्ट्रॉयर को मारने की वजह से। और उसके बाद दोस्तों एक दिन गोकू अपने फैमिली को याद कर रहा होता और खुद से ही मन में ये बोल रहा होता कि चीची, गोहान, गोटेंक्स, मुझे माफ कर दो, मेरी एक गलती की वजह से तुम लोग को भी अपनी जान देनी पड़ गई। और उसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू का चेहरा देख पाते हैं, जहां पर उसके आंख से बहुत ही ज्यादा आंसू निकल रहे होते हैं। और दोस्तों एज अ व्यूअर हमें गोकू के लिए बहुत ही सैड फील होता है। और उसके बाद दोस्तों वहां पे अचानक से एक पोर्टल खुलता है, जिसे देख के गोकू को विश्वास नहीं होता और उसे लग रहा होता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। पर दोस्तों हमें ये समझ में आता है कि वहां पे सच में एक पोर्टल खुला है और दोस्तों उस पोर्टल से दो लोग निकलते हैं, जिन्हें देखने के बाद गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और पहले उसे खुद अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो जिसे देख रहा है वो सच की झूठ। और उसके बाद दोस्तों कुछ समय बाद गोकू को भी ये समझ में आ जाता है कि वो हेलुसिनेट नहीं कर रहा, यहाँ पे सच में दो लोग आए हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही गोकू उन दोनों के चेहरे को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, व्हिस, वेजिटा, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग भी मुझे यहाँ पे पनिश करने आए हो लॉर्ड बिरस के डेथ के लिए? क्या मेरे लिए इतनी पनिशमेंट काफी नहीं है कि मेरे बीबी बच्चे मुझसे छीन लिए गए, मेरे प्लैनेट अर्थ को तबाह कर दिया गया और मैं यहाँ पे 10 साल से कैद हूँ और पूरे दर्द में यहाँ पे रह रहा हूँ? और ये सब बोलते हुए दोस्तों गोकू व्हिस और वेजिटा पे बहुत ही ज्यादा चिल्लाता और बोलता है कि तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ, मुझे और यहाँ पे दर्द मत दो। और उसके बाद दोस्तों हमारा सीन वेजिटा और व्हिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम लोग व्हिस को देख पाते हैं, जो बहुत ही आराम से गोकू से बात करता और बोलता है कि मुझे पता है गोकू कि तुम्हारे लिए पिछले 10 साल बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहे हैं और इन 10 सालों में तुम जिस चीज से और जिस दर्द से गुजरे हो उससे गुजरना किसी के लिए भी आम बात नहीं है और जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं और मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। जिसके बाद दोस्तों गोकू इस सॉरी को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे इस सॉरी से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मेरे फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरा प्लैनेट अर्थ वापस आ जाएगा? क्या तुम्हारे सॉरी बोलने से मुझे मेरा सब कुछ मिल जाएगा जो मैंने खो दिया है? और अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो तुम मुझे पहले यहाँ पे मिलने क्यों नहीं है? तुम मुझे यहाँ पे पहले बचाने क्यों नहीं है? और उसके बाद गोकू फिर बोलता है कि तुम्हें तो व्हिस पता था कि मैंने लॉर्ड बिरस को इंटेंशनली जान से नहीं मारा था, वो लॉर्ड बिरस की ही गलती थी कि उन्होंने मुझे मजबूर किया था कि मैं डिस्ट्रक्शन की पावर को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कंबाइन करूं और उनसे फाइट करूं, जिसके बाद मैंने अपने आप से अपना आपा खो दिया और मैंने लॉर्ड बिरस को जान से मार दिया। जिसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन व्हिस की तरफ शिफ्ट होता है और व्हिस बोलता है कि मुझे पता है गोकू कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैंने यही बात ग्रैंडपिस्ट और जेनो को बहुत ही बार समझाने की कोशिश की, पर ग्रैंडपिस्ट और जेनो ने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी और लास्ट में उन्होंने मुझे ये भी बोला कि अगर इसके बाद मैं तुम्हारी सिफारिश करने आऊंगा उनसे तो वो लोग मुझे भी ऐसे ही एक प्रिजन में कैद कर देंगे मेरी पूरी पावर को छीन के। जिसके बाद दोस्तों ये बात सुनकर गोकू कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, पर दोस्तों कुछ समय बाद गोकू फिर से व्हिस से पूछता है कि व्हिस, तुम एक एंजल हो, तुम अगर चाहते तो मुझे लॉर्ड बिरस को जान से मारने से रोक सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जिसके जवाब में दोस्तों व्हिस बोलता है कि तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो को एक साथ कंबाइन किया था, जो कि एक बहुत ही हाई लेवल पावर होता है जिसे आज तक कोई भी गॉड एक साथ कंबाइन नहीं कर पाया था, जिसे तुमने कंबाइन किया था। और तुम्हें क्या लगता है कि ये पावर ऐसे ही है? ये पावर बहुत ही ज्यादा होती है एक एंजल्स के लिए भी, और तुम उस टाइम पे इतने ज्यादा फास्ट थे कि मेरे लिए भी तुम्हें वहां उस पॉइंट पे आकर रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। और जब तक मैं वहां पे आकर तुम्हें रोकता तब तक तुम लॉर्ड बिरस को जान से मार चुके,
और जैसा कि एंजल्स का लॉ होता है कि जैसे ही उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खत्म होते हैं, एंजल्स की भी पावर पूरी तरह से चली जाती है, जिसकी वजह से मैं उस पॉइंट पे पूरी तरह से हेल्पलेस हो गया था तुम्हारी मदद करने के लिए। और उसके बाद मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा हुआ था कि मैं अपने यूनिवर्स में एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करूँ, जिसके बाद मेरी पूरी पावर आ जाए। जिसके बाद दोस्तों हम लोग को पता चलता है कि अब इस यूनिवर्स का एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ चुका है, जिसकी वजह से व्हिस अब यहाँ पर आया हुआ है गोकू से मिलने के लिए। और दोस्तों उसी के बाद गोकू की नज़र वेजिटा पे पूरी तरह से जाती है, और वो देख के बोलता है वेजिटा को, वेजिटा क्या तुम एक डिस्ट्रॉयर बन चुके हो, तुमने डिस्ट्रॉयर के कपड़े क्यों पहने हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि वेजिटा अब यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। और उसके बाद दोस्तों गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है वेजिटा पे, क्योंकि जिन डिस्ट्रॉयर की वजह से आज वो इस जगह पे है, आज उसी का बेस्ट फ्रेंड वेजिटा भी एक डिस्ट्रॉयर बन चुका है। जिसके बाद दोस्तों गोकू वेजिटा से बोलता है कि तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की क्या जरूरत थी वेजिटा। जिसके बाद दोस्तों हम लोग वेजिटा को देख पाते हैं और वो बहुत ही गुस्से में आके बोलता है, कैकारोट चुप रहो तुम कुछ समय के लिए। जिसके बाद हम लोग का सीन गोकू की तरफ शिफ्ट होता है और हम लोग गोकू को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है वेजिटा के इस जवाब से। जिसके बाद हमारा सीन वेजिटा की तरफ फिर से शिफ्ट होता है और हम लोग वेजिटा को देख पाते हैं, जो बहुत ही गुस्से में बोलता है, कैकारोट तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ही सिर्फ अपनी फैमिली और अपने अर्थ को खोया था, वो अर्थ मेरा भी था, मैं भी उस अर्थ पर रहता था और तुम्हारे साथ साथ मैंने भी अपनी फैमिली को खोया था, उन डिस्ट्रॉयर्स और गॉड्स ने मिलकर मेरी भी फैमिली और मेरे बुलमा और मेरे ट्रंक्स को भी जान से मार दिया था। और उसके बाद वो लोग मुझे भी जान से मारने वाले थे, पर उस पॉइंट पर व्हिस था जिसने मुझे बचाया था और बोला था कि मैं नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए बहुत ही परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। और उसके बाद व्हिस ने मुझे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया मेरे मर्जी के खिलाफ भी, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनता तो वो लोग मुझे भी मार देते, और व्हिस ऐसा नहीं चाहता था कि मैं भी ख़त्म हो जाऊं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है ये बात सुन के कि वेजिटा की भी फैमिली अब ख़त्म हो चुकी है उन गॉड्स की वजह से। और उसके बाद दोस्तों गोकू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन गॉड्स पे, और वो चिल्ला के बोलता है, ग्रैंड पेश जेनो, मैं जब भी यहाँ से निकलूंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को जरूर एक दिन जान से मारूंगा अपने हाथों से। जिसके बाद दोस्तों वहाँ सीन फिर से वेजिटा की तरफ शिफ्ट होता है और वो बोलता है कि ग्रैंड पिस्टर जेनो इस समय बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है कैकारोट, तुम कुछ भी कर लो, इस पॉइंट पे तुम उन्हें अभी नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद दोस्तों गोकू बोलता है कि भले मैं उन्हें अभी नहीं हरा पाऊँ, पर मैं जब यहाँ से निकलने के बाद बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा और मैं उन्हें हरा के रहूँगा एक दिन। जिसके बाद दोस्तों वेजिटा उस समय के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि उसे गोकू का मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद दोस्तों गोकू व्हिस और वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे यहाँ पे बचाने आए हो, जिसके जवाब में वेजिटा और व्हिस बोलते हैं कि हाँ गोकू हम तुम्हें यहाँ पे बचाने आए हैं। पर दोस्तों गोकू तभी व्हिस से पूछता है कि तुम लोग अगर मुझे चाहते तो पिछले 10 साल में भी कभी भी आके बचा सकते थे, वेजिटा को बस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही तो बनाना था। जिसके जवाब में दोस्तों व्हिस बोलता है कि यह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बनाना इतना भी आसान नहीं होता है गोकू, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ अपनी पावर से ही नहीं जाने जाते हैं, उनके पास पूरे यूनिवर्स और मल्टीवर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि एक छोटी मोटी बात नहीं होती किसी भी एक आम मॉर्टल के लिए। और उसे सिर्फ यूनिवर्स और मल्टीवर्स का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, जो भी नया डिस्ट्रॉयर बनता है उसे अपने प्रीवियस डिस्ट्रॉयर से ज़्यादा ताकतवर होना होता है, और उसे और भी बहुत चीज़ जानना होता है, जो कि किसी भी इंसान के लिए बहुत ही लंबे समय का बात होता है। फिर भी वेजिटा के केस में ये बहुत ही जल्दी हुआ है, क्योंकि वेजिटा के अंदर एक मोटिवेशन था कि वो तुम्हें जल्दी से आके यहाँ से निकाले। जिसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन वेजिटा की तरफ शिफ्ट होता है और वेजिटा व्हिस से बोलता है कि व्हिस हमें अब गोकू को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर और रुकेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई गॉड्स और या फिर एंजल्स आ जाएं और उसके बाद हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा गोकू को यहाँ से ले जाने में। जिसके जवाब में दोस्तों व्हिस बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, हमें अब गोकू को यहाँ से जल्दी लेकर निकलना होगा। उसके बाद दोस्तों व्हिस अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, गोकू को इस प्रिजन से निकाल लेता है, और उसके बाद दोस्तों व्हिस अपने स्टाफ के इस्तेमाल से गोकू को पूरी तरह से हील कर देता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू अब बहुत ही ज़्यादा सही हो चुका है देखने में और उसकी पावर वापस से आ चुकी है। और उसके बाद दोस्तों गोकू को हम लोग देख पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है वेजिटा और व्हिस को उसे छुड़ाते हुए देख के, क्योंकि गोकू को किसी पे भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि यहाँ पे से उसे कोई भी निकालने आएगा। और ये देख के गोकू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके पास अभी भी कुछ दोस्त बचे हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही व्हिस और वेजिटा गोकू को लेकर यहाँ से निकलते हैं और थोड़ी ही दूर जाते हैं कि अचानक से उन लोग के सामने ग्रैंड पिस्ट आ जाता है, जिसे देख के गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और व्हिस और वेजिटा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड पिस्ट अचानक से ही उन दोनों के सामने आ चुके हैं। जिसके बाद दोस्तों ग्रैंड पिस्ट व्हिस और वेजिटा से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम गोकू को ऐसे ही यहाँ से बचा के चले जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा। जिसके जवाब में दोस्तों व्हिस बोलता है कि फादर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि गोकू इनोसेंट है, आप लोगों ने फिर भी उसे जान के कैद करके रखा हुआ था, इसलिए मैं उसे यहाँ से बचा कर ले जा रहा हूँ। इसके जवाब में दोस्तों ग्रैंड पिस्ट बोलता है कि व्हिस, अब तुम्हें भी इस गलती का सजा मिलेगा और तुम भी अब यहाँ पे कैद हो जाओगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू को देख पाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बिना कुछ सोचे समझे ग्रैंड पिस्ट पे हमला करता है। जिसके बाद दोस्तों ग्रैंड पिस्ट उस हमले से ना कि सिर्फ बचता है, वो गोकू पे एक अटैक कर देता है, जिसके बाद गोकू बहुत ही दूर जाके गिरता है।
जिसके बाद दोस्तों हम लोग वीस और वेजिटा को देख पाते हैं जो ग्रैंड प्रिंस के सामने खड़े हो जाते हैं फाइट करने के लिए। पर तभी दोस्तों वीस वेजिटा से बोलता है कि तुम गोकू को यहाँ से लेके चले जाओ, क्योंकि अगर हम लोग इनसे लड़ेंगे तो ये हमें आराम से हरा सकते हैं। जिसके जवाब में दोस्तों वेजिटा बोलता है कि नहीं वीस, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हें पक्का से जान से मार देंगे, पर अगर हम लोग साथ मिलकर लड़े तो हम लोग का चांस है कि शायद इनसे जीत पाए। जिसके जवाब में दोस्तों वीस बोलता है कि नहीं वेजिटा, अगर हम लोग तीनों साथ मिलकर भी लड़ेंगे तो ग्रैंड प्रिंस हमें आराम से हरा देंगे, इसलिए इस समय सबसे अच्छा ये होगा कि तुम और गोकू यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद दोस्तों हम लोग वेजिटा को देख पाते हैं जो ना चाहते हुए भी गोकू को यहाँ से लेके जाने लगता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन ग्रैंड प्रिंस और वीस के सामने शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद हम लोग उन दोनों को देख सकते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। और ग्रैंड प्रिंस वीस से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वीस कि तुम मुझे रोक लोगे उन दोनों को मारने से। जिसके जवाब में दोस्तों वीस बोलता है कि मुझे पता है कि मैं आपको हरा नहीं सकता हूँ, पर मैं आपको इतने समय तक तो रोक ही सकता हूँ जिस समय तक वो दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। जिसके जवाब में ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है वीस, तुम मुझे उतने समय के लिए भी नहीं रोक पाओगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वीस अपने स्टाफ से ग्रैंड प्रिंस पर हमला करता है, जिसको ग्रैंड प्रिंस बहुत ही आसानी से रोक देता है, और वो वीस पर हमला करता है जिसको वीस बहुत ही मुश्किल से ही सही लेकिन उसे रोक लेता है। और उसके बाद वो ग्रैंड प्रिंस पे फिर से हमला कर देता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए, जहाँ पे ग्रैंड प्रिंस उसे बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। फिर भी दोस्त हम लोग वीस के चेहरे पे वो एफर्ट देख सकते हैं कि वो ग्रैंड प्रिंस को रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, और वो गोकू वेजिटा को कैसे भी करके बचाना चाहता है। और उसके बाद दोस्तों ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वीस पे, और वो वीस पे फाइनली एक अटैक करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था वीस, मैं तुम्हें बस कैद करके कुछ समय के लिए रखना चाहता था ताकि तुम इन मॉर्टल्स के मामले से हट जाओ, पर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया। और उसके बाद दोस्तों हम लोग ग्रैंड प्रिंस के चेहरे पे सीरियसनेस देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं वीस पे, और वो वीस पे एक ऐसा अटैक करता है जिसके बाद दोस्तों वीस बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों ग्रैंड प्रिंस वीस के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे सच में कुछ समय के लिए भी रोक सकते हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि तुम मुझे रोक भी पाओगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस फाइनली वीस को जान से मार देता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन गोकू और वेजिटा की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वेजिटा और गोकू बहुत ही दूर आ चुके हैं। पर दोस्तों थोड़े ही समय के बाद ग्रैंड प्रिंस उन दोनों के सामने आ जाते हैं, जिसे देख के वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और उसे ये समझ में आ चुका होता है कि ग्रैंड प्रिंस ने जरूर वीस को मार दिया है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि वो ग्रैंड प्रिंस पे हम हमला करेंगे, क्योंकि उन लोग को ये समझ में आ चुका है कि वो लोग यहाँ से ऐसे बच के भाग नहीं सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रिंस पे बहुत ही ज़्यादा अटैक करने लगते हैं, जिससे ग्रैंड प्रिंस बहुत ही आराम से डॉच कर रहा होता है। और उसके बाद वो ग्रैंड प्रिंस एक हमला करता है गोकू वेजिटा पे, जो उन दोनों को फेस पे डायरेक्ट हिट मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें कि वो लोग ग्रैंड प्रिंस से बच पाए। उसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू को देखते हैं जो अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चल जाता है, और वेजिटा को देखते हैं जो अपने अल्ट्रा ईगो में चला जाता है, और वो दोनों अपने फाइनल अटैक को तैयार करने लगते हैं, जहाँ पर गोकू कामेहामेहा को रिलीज करने वाला होता है और वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश को रिलीज करने वाला होता है। और वो दोनों आपस में अपने एनर्जी को मिला के ग्रैंड प्रिंस पर सीधा अटैक कर देते हैं, जिसे देख के ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होता है, क्योंकि ये अटैक सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। और उसके बाद दोस्तों हम लोग ग्रैंड प्रिंस को देख पाते हैं, जिसे थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, पर वो इस अटैक को भी आराम से रोक देता है। और उसके बाद दोस्तों ग्रैंड प्रिंस गोकू और वेजिटा से बोलता है कि मुझे मानना पड़ेगा कि तुम दोनों ने मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करने पर मजबूर कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों ग्रैंड प्रिंस गुस्सा हो जाता है उन दोनों से, और वो सीधे उन दोनों पे हमला कर देता है, जिसके बाद दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ग्रैंड प्रिंस से लड़ना। और उसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू और वेजिटा से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग मुझसे बच के चले जाओगे, गोकू तुम्हें फिर से उसी प्रिजन में जाना होगा जहाँ पर अब तुम्हें और भी ज़्यादा पेन मिलेगा, और वेजिटा तुम तो एक डिस्ट्रॉयर बने थे, तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट मिलेगी, और तुम्हें भी उस कैद में रहना होगा जहाँ पर तुम्हें गोकू से ज़्यादा सफर होगा। और उसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा पर ग्रैंड प्रिंस फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि तभी हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से उसके अटैक को किसी ने रोक लिया है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं वीस होता है, जिसे देख के वेजिटा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वीस अब तक मर चुका होगा ग्रैंड प्रिंस के हाथों। और इसके बाद दोस्तों हम लोग ग्रैंड प्रिंस के चेहरे पर भी हैरानी देख सकते हैं, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वीस उसके फाइनल अटैक से बच गया होगा। जिसके बाद दोस्तों हम लोग वीस को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, और वो बोलता है कि लॉर्ड वेजिटा अब हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकलना हो, क्योंकि हम लोग कितने भी कोशिश कर ले ग्रैंड प्रिंस हमें आराम से हरा देंगे। जिसके बाद दोस्तों वीस अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करता है, वो गोकू वेजिटा को अपने साथ टेलीपोर्ट कर लेता है एक ऐसे डायमेंशन में जहाँ पे ग्रैंड प्रिंस को उसे खोज नहीं पाए। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन शिफ्ट होता है वेजिटा वीस और गोकू पे, जहाँ पे वीस गोकू और वेजिटा से बोलता है कि लॉर्ड वेजिटा मैंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर लिया है और अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा समय तक बचूंगा। जिसके बाद दोस्तों वीस और वेजिटा को हम लोग देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं ये बात सुन के वीस की। और उसके बाद गोकू और वेजिटा बोलते हैं कि वीस तुम किसी भी तरह से अपने आप को संभाल लो, अब हम लोग ग्रैंड प्रिंस से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। जिसके जवाब में दोस्तों वीस बोलता है कि हाँ माई लॉर्ड, अब हम लोग ग्रैंड प्रिंस से तो दूर आ चुके हैं,
पर अब मैं नहीं बच पाऊंगा, जिसके बाद दोस्तों हम लोग वेजिटा और गोकू को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं विश को देखकर। और उसके बाद दोस्तों गोकू विश से बोलता है कि विश प्लीज तुम मुझे मत छोड़ के जाओ, मेरे पास सिर्फ तुम और वेजिटा ही बचे हैं फैमिली के नाम पे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग विश को देखते हैं जिसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और वो कुछ समय बाद राख हो जाता है। और दोस्तों एज अ व्यूअर हम लोग भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं विश की डेथ को देखकर। और फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं ग्रैंड पिस्ट पर। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं ग्रैंड पिस्ट मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके बाद दोस्तों अचानक से ही गोकू और वेजिटा के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है, ऐसा कि मानो विश मरते समय अपनी आधी पावर गोकू को और आधी पावर वेजिटा को देकर चला गया हो। और उसके बाद दोस्तों अचानक से ही विश का स्टाफ गोकू के पास चला जाता है, जैसा कि ये विश ने पहले से ही सोच रखा था कि वो जैसे ही गोकू और वेजिटा को यहाँ से बचाएगा तो ग्रैंड पिस्ट उसे मार देंगे। इसलिए विश ने ये पहले ही प्लान कर लिया होगा शायद में कि वो अपनी पावर गोकू और वेजिटा को देख के चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा ये डिसाइड करते हैं कि वो विश का बदला सभी एंजल्स और गॉड्स से लेंगे, साथ ही साथ ग्रैंड पिस्ट और जेनो को भी वो लोग खत्म कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों हमारी इस कहानी का पार्ट टू यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊँ तो आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक्स गेम को जरूर पूरा कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में #वेजिटा और गोकू जरूर लिखिएगा।